वेल गाइस 2024 के अंदर अगर आप फोन पे यूज करना चाहते हो विदाउट एटीएम कार्ड के तो कैसे आप कर सकते हो, तो आप सही वीडियो पे आए। इस वीडियो में हम आप सबको बताया है कि बिना एटीएम कार्ड के जो है आप अपना फोन पे हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो कैसे यूज कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम के जो है इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो आज के समय में आप सबको पता है कि इस समय जो है यूपीआई काफी तेजी से वर्क कर रही है। तो मान लो किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि आपका अकाउंट जो है किसी बैंक में खुल जाती है और आपको जो है एटीएम कार्ड दी ही नहीं जाती है, तो उस केस में जो है आप फोन पे कैसे इस्तेमाल करोगे, तो इस हम आप सबको पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाए हैं। तो उसके लिए जो है आप सबको अपने 24 घंटे में से मात्र 5 मिनट का समय निकालो और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके देखो। देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन पे का डायरेक्ट लिंक दे दिया गया, वहां से जो है आप सबको इंस्टॉल कर लेना। अगर आप यहां से इंस्टॉल करते हो तो हमारा कुछ भला हो सकता है, इसमें मैं क्या ही आप सबको कह सकता हूं। यहां से हम फोन पे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहां पे ओपन का ऑप्शन मिलता है, ओपन पे क्लिक कर हम आगे बढ़ जाते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले जो है आप सबको यहां पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है, मतलब यहां पे जो है आप सबको वो मोबाइल नंबर देना है जो आप मोबाइल नंबर बैंक में दिए हो। यहां पे जो है आप सबको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे जो है आप सबको प्रोसीड का बटन मिलता है, प्रोसीड पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है 4 डिजिट का ओटीपी भेजा जाता है, ओटीपी को जो है यहां पे फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे जो है यहां पे लॉगिन का बटन मिलता है, लॉगिन पे क्लिक कर आप सबको आगे बढ़ जाना है। फाइनली देख सकते हो यहां पे ओटीपी आ गया है, ओटीपी डालकर हमने जो है यहां पे वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे जो है अलाउ का ऑप्शन मांगता है, अलाउ पे हम क्लिक कर देते हैं। अलाउ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फोन पे का जो है कंप्लीट होम पेज यहाँ पे दिख जाता है। अब यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर करने के अलावा भी जो है आप सबको यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, डिटेल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, मतलब काफी सुविधा जो है आप फोन पे से उठा सकते हैं। तो इसके बारे में जो हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि बिना एटीएम कार्ड के जो है यूपीआई सेट कैसे करेंगे। अब देखो विदाउट एटीएम कार्ड यूपीआई सेट करने के लिए जो है आप सबको यहाँ पे कोना में जो है आप सबका फोटो दिख रहा होगा या वहां पे जो है आप सबको लोगो कुछ दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे जो है आप सबको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका पहले से अकाउंट लिंक होगा, मतलब जो आपका बैंक अकाउंट पहले से लिंक होगा जिसको एटीएम कार्ड से आप लॉगिन किए होंगे, तो यहाँ पे जो है उसका डिटेल दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा एक ऐसा अकाउंट है जिसका जो है एटीएम कार्ड है ही नहीं, तो उसके लिए जो है यहाँ पे नीचे एड ए न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जो है हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है सारे बैंक का नाम देखने को मिल जाता है, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी बैंक वो सारे बैंक जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है आप सबको अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो है हम अपना बैंक नेम सिलेक्ट कर लेते हैं, बैंक नेम यहाँ पे सर्च भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम अपना बैंक नेम सिलेक्ट कर लेते हैं। बैंक नेम सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे फैचिंग योर लिंक दिया जा रहा है, मतलब आपके नंबर से जो है अभी इसको लिंक किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे नंबर से जो है ये बैंक लिंक हो गई है। अब यहाँ पे जो है हमको यूपीआई सेट करना है। यूपीआई सेट करने के लिए जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहीं पे जो है आप सबको प्रॉब्लम फंसता है, मतलब यहाँ पे जो है आप सबको डेबिट कार्ड का नंबर देना होता है। यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट का जो है आप सबको एटीएम का नंबर देना होता है। यहाँ पे जो है आपको मंथ एक्सपायरी डेट फिल करना होता है, उसके बाद नीचे जो है प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। तो देखो हमारे पास जो है एटीएम कार्ड है नहीं, फिर भी यहाँ पे हम यूपीआई सेट करेंगे। उसके लिए जो है आप सबको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऑथेंटिक यूजिंग आधार नंबर, मतलब यहाँ पे जो है आप अपना आधार नंबर से भी जो है यूपीआई अपना सेट कर सकते हो। तो उसके लिए जो है आप सबको क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो है आप सबको एक बार क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आप सबको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है आधार नंबर लिंक विद बैंक, ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका आधार नंबर जो है आपके बैंक के साथ लिंक है। और यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के लिए जो है एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर आगे बढ़ना होगा। तो फाइनली जो है आप सबको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपका आधार कार्ड है उसका लास्ट 6 डिजिट जो है आप सबको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि आपसे आपका एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड का जो लास्ट 6 डिजिट नंबर होता है वो मांगा जाता था, सेम गाइस यहाँ पे जो है आप सबको अपना आधार कार्ड का लास्ट 6 डिजिट जो है फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद नीचे जो है आप सबको यहाँ पे प्रोसीड का बटन मिलता है, प्रोसीड पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। अब देखो आधार नंबर का 6 डिजिट फिल करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पे जो है 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जाता है। तो ओटीपी के जो है यहाँ पे फिल करना है। बेसिकली फोन पे जो है स्क्रीन रिकॉर्डर को परमिशन नहीं देता है रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए जो है यहाँ पे हम स्क्रीन शॉट आप सबको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप सबको अपना 6 डिजिट का ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस
एसएमएस आएगा। अब यहाँ पे जो है आप सबको सेट 4 डिजिट का यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो है बिना एटीएम कार्ड मात्र आधार कार्ड का ओटीपी फिल करके जो है आप यहाँ पे अपना यूपीआई सेट करेंगे। यहाँ पे जो है आप सबको अपना 4 डिजिट का जो है पिन सेट कर लेना है, जो कि कभी भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसी पिन का जो है आप सबको प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे जो है आप सबको अपना 4 डिजिट का पिन सेट कर लेना है, उसके बाद जो है आप इस पे क्लिक कर आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम आप सबको ट्रांजेक्शन भी करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इंडियन बैंक का जो है अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दिखा रही है, मतलब यहाँ पे आधार कार्ड के बेस पे जो है हमारा अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड हो गई है। अब यहाँ पे जो है हम आप सबको ट्रांजेक्शन भी करके दिखा देते हैं। ट्रांजेक्शन करने के लिए जो है आप सबको यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद जो है आप सबको यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर दिया गया ऑप्शन, इस पे जो है आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जिसको भी आप पैसा सेंड करना चाहते हैं यहाँ पे जो है आप सबको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जो आपका अमाउंट है जितना आप अमाउंट भेजना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आप सबको ऑप्शन मिलता है बैंक का, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी बैंक लॉगिन होंगे वो सारे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम इंडियन बैंक लॉगिन किए थे तो इंडियन बैंक पे जो है हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है पे का ऑप्शन मिलता है, पे पे हम क्लिक कर देंगे। फाइनली जब हम पे पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा यूपीआई मांग रही है, मतलब यहाँ पे जो हमने 4 डिजिट का यूपीआई सेट किया था वो यूपीआई यहाँ पे फिल करेंगे और ये पैसा जो है दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लाइव समझ पाए होंगे कि विदाउट एटीएम कार्ड के जो है यहाँ पे यूपीआई पिन कैसे सेट किया जाता है। तो वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे और यहाँ पे हम आप सबको बोलना चाहेंगे कि अगर रियल में जानकारी आप सबको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और यहाँ पे आप सबको बिल्कुल रियल वीडियो देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।